हेलो गाइस, ये कुछ इंगेजमेंट की फ़ोटो है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। कल थी 22 जून रिंग सेरेमनी का दिन, हमारी एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पर हम लोग की केक कटिंग हो रही है और दीदी ने छोटा सा वीडियो लिया था जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससुराल सिनी का। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। और मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी, इसके लिए बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे। यूट्यूब पर मैंने पोस्ट डाला था 22 जून को, तो उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे विश किया, बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आज का वीडियो मैं ब्लाउज़ के कलेक्शन के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी नई न्यू शादी हुई है मेरी, तो अभी मेरे पास अच्छे ब्लाउज़ कलेक्शन हैं, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ये है मेरा फर्स्ट ब्लाउज़, ये देखिए मैं बैक साइड का दिखा रही हूँ। ये रेड ब्लाउज है और ये इस तरह से इसे पीछे से बैक में डिजाइन दी गई है। ब्लाउज में साइड जिप दी हुई है, इस तरह से देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो डिजाइन के लिए। ये देखिए इसमें चुनरी प्रिंट का बॉर्डर दिया हुआ है साड़ी में, तो इसलिए मैंने ये स्लिप्स में ऐसे सीन लगवाई हुई है। और ये येलो कलर की पाइपिंग डलवाई हुई है और आप लोग सामने देख सकते हैं, ये इस टाइप से है। ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज हो गया, मैं छोटी छोटी से स्लिप्स लगवाई हूँ, ये देखिए बैक में ये हो गया और फ्रंट में ये हो गया, पाइपिंग डली हुई है। और ये हो गया फर्स्ट ब्लाउज, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं सेकेंड नंबर का ब्लाउज आप लोग को दिखाऊंगी। ये है एक ब्लाउज, ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो वाली साड़ी है मेरी, उसका ब्लाउज है, ये ऐसे है ब्लाउज, भी शेप में है, ये देखिए भी शेप बना हुआ है, मतलब ऐसे डिजाइन है और इसमें स्लिप्स में ऐसी कटिंग करवाई हुई है मैंने। एक टाइम पे बहुत चल रहा था, बट अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है जैसे डिजाइन डलवा लो सब चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नई नई शादी हुई है तो मेरे को था कि अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिजाइन मिल जाएं, तो ये हो गया हमारा, ये देखिए ऐसे कटिंग वाला ब्लाउज है ये मेरा। लोग देख सकते हैं और इस तरह से। और ये हो गया मेरे थर्ड नंबर का ब्लाउज, ये हो गया थर्ड नंबर का ब्लाउज, ये देखिए बैक में ऐसी डिजाइन डलवाई हुई है मैंने। गाइस, ये वाला ब्लाउज है जो साइड जिप वाला है, ऐसे ये शो के लिए मैंने बटन डलवाई है और ये पाइपिंग डलवाई है और फ्रिल लगवाई है ये साइड से नीचे बीच में, बैक डिजाइन में मैंने डलवाई है ये फ्रिल, गोल्डन कलर की, क्रीम कलर के कपड़े की है, एक्चुअली शॉटन का कपड़ा है और उसमें ऐसे डिजाइन डाल दिए है उन्होंने। ये देखिए ये कुछ इस टाइप से आएगा, बोट नेक है, हाँ बोट नेक ही है। ये हो गया थर्ड नंबर का ब्लाउज, देखिए फ्रेंड्स ये है फोर्थ नंबर का ब्लाउज, ये इस टाइप से मैं चंदिया का ही सिला हुआ है ब्लाउज, ये ऐसे सिलवाया था, पीछे बैक में ऐसे डिजाइन डाली हुई है, ब्लू कलर की पाइपिंग और ग्रीन कलर का ऐसा डिजाइन डला हुआ है ये देखिए। और ये जो आप साइड में ये जो रोज देख रहे हैं, ये साड़ी का मम्मी ने निकाल दिया था और हम लोग ने इसे साइड पर ऐसे लगवा लिया है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं डिजाइन के लिए। और सामने से सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है नॉर्मली। और ये है मेरी कॉटन वाली साड़ी का ब्लाउज, ये देखिए ये इस तरह से मैंने स्टिच करवाया है, इसमें 3-4 स्लिप्स है और ये इस तरह से ऐसा बनाया हुआ है, ये लीजिए देखिए, आप लोग देख सकते हैं ऐसे डिजाइन डली हुई है बैक में।
तो ये देखिए ये टेम्पल डिजाइन में ऐसे वो गला फ्रंट का कटा हुआ है नेक, और ये आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे उन्होंने ऐसे स्टिच किया है, ऐसे सो वाले बटन वगैरह ऐसे लगा दिया है। और ये हो गए 3-4 आस्तीन। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, ये स्लीव्स चुन्नट ऐसे ब्लैक कलर का ब्लाउज दिखाने वाली, ब्लैक कलर तो सब साड़ियों में चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने सिलवाया है वेलवेट का ब्लाउज, ये देखिए ये मेरी फ्रिल वाली साड़ी का ब्लाउज है, तो ऐसे बैक से मैंने ऐसे सिलवाया हुआ है, और इसमें स्टोन का ये सो पीस लगवा दिया है बटन बैक में, और ये पीछे हुक वाला ब्लाउज है, तो इसमें भी ऐसे स्लीव्स लगवाई है मैंने। और ये हो गया सामने का, फ्रंट का ये है, और बैक का मैंने दिखा। ब्लैक कलर का ब्लाउज तो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि हर साड़ी में चल जाता है, तो ये मैंने सिलवाया था। वेलवेट का ब्लाउज, अब एक ब्लाउज और है मेरे पास, सिंपल है बट बहुत प्यारा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल ब्लाउज भी बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कभी सिंपल ब्लाउज भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिजाइनर ब्लाउज ही हो, कभी कभी सिंपल ब्लाउज भी बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे हैवी साड़ी हो और सिंपल ब्लाउज हो तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डिजाइन डाला हुआ है, ये देखिए ऐसे, ये है ब्लाउज, बैक डिजाइन है ये, और फ्रंट का ये हो गया, फ्रंट में कुछ भी नहीं है, बैक में ही है सारे डिजाइन, बस कंप्लीट हो गया। सो गाइस, कैसा लगा आप सबको वीडियो बताइएगा जरूर, वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।